लेकिन क्या बात है, यार क्या बात है बोट की, काफी एंजॉयमेंट है जी। लाल छुहारा बहुत अच्छी यार, पानी देखो वहां से कैसे क्रॉस हो रहा है, पर देखें माशाल्लाह जी, काफी मजेदार इलाका है, काफी मजेदार जगह है, बहुत एंजॉयमेंट है। माज और जुहेब, आप थके थके लग रहे हैं, क्या बात है यार। सुबह से तो नाश्ता नहीं किया, लाइट थी नहीं, तो अब तो इतनी भूख लग रही है। आप अभी से इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, अभी 13-14 घंटे हो गए, हमने कुछ भी नहीं खाया। सही बताओ क्यों रात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुशान व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज हम आए हुए हैं एक जगह पे, बल्कि एक जगह पे नहीं, हम एक जगह पे जा रहे हैं, लाल छुहारा नेशनल पार्क। आपको पता होगा बहावलपुर में वाकई है वो। तो मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, माँ साहब और जुहेब साहब, हम जा रहे हैं। तो हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, हमने कहा पहले खाना खा लें और एक पानी उठे नहीं होते साफ कर। और हम इधर आए हुए हैं होटल पर, बाबा के होटल पर आए हुए हैं। हाँ, और ये हमारा शमो भाई भी आया हुआ, इधर आए जरा। अल्लाह जी, जुहेब साहब रेडी हैं, इंशाल्लाह जा रहे हैं जी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर से पहुँचाए हमें। चले जी, ये हमारे पास 125 है जी, रेडी है माशाल्लाह। जी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, हासिलपुर रोड पे, और यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं मोटरसाइकिल में। तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से रवाना होते हैं, आपको बताते हैं। हमारा पार्क यही है, पहुँच गए हैं हम माशाल्लाह। नेशनल एंट्रेंस दिखाएं इनके सामने, मिनी जू, मिनी जू, ये मिनी जू है ये। चलो पार्किंग एरिया है, पार्किंग इधर पे। पार्किंग है भी नीचे है ना, गाड़ी मुझे लगता है बाइक उधर खड़ी करनी पड़ेगी, उधर साइड। हमारी हालत बुरी है काफ़ी, मट्टी मट्टी हो गए हैं, तो माशाल्लाह पहुंच गए हैं हम। बहुत ही कमाल का जंगल बना हुआ है, पता नहीं लकड़ी कौन सी है। ये भी माशाल्लाह हम इस जगह पे आए हुए हैं, ये देखें बहुत प्यारी इन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है, बहुत सारा बाग बनाया हुआ है। और ये देखें एक बहुत ज़बरदस्त ऊँचे ये दरख्त हैं, और इसकी ऊंचाई काफ़ी हाइट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे सीधे हैं। ये देखें दिखाएँ जरा, ऐसे ज़बरदस्त माहौल है। यार क्या बात है बोट की, कुछ खतरनाक जानवर कहते हैं कि यहाँ पे गेंडा और ये मगरमच्छ का तालाब बना हुआ है। ये देखें ये देखें जी, हिरन हैं सारे यहाँ पे, और कमाल के यहाँ पे हिरन मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, वेलकम बैक। हम आए हुए हैं यहाँ पे, सामने हिरन का हिरन मौजूद हैं बहुत सारे। किसी ज़माने में चोलिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्लैक बक हिरन थे, तो उसके बाद काफ़ी तादाद में हिरन अमेरिका भेजे गए, तो अमेरिका में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इनकी इनका शिकार किया जाता था, तो इनकी तादाद यहाँ पर कम हो गई। उस 1972 में अमेरिका ने हमें 10 पेयर्स दिए हिरन के,
और उसके बाद नैदरलैंड और अमेरिका के कुछ स्टूडेंट्स मिलकर फंड्स जमा किया उन्होंने और हमें इनकी सेंचुरी पूरी की और अलहमदिल्ला इनकी तादाद अब ज़्यादा हो रही है। जी रोड जा रही है ये लेफ्ट साइड पे नेशनल पार्क के, यहाँ से ये रेस्ट हाउस की तरफ जाती है, उसके बाद फिर वहाँ से डिदावर। जी वेलकम बैक, है हम लाल सुवार अब मौजूद हैं, जुहेब साहब भी साथ हैं, माज भाई भी साथ हैं, हमने विज़िट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी मज़ा आया है। तो जो चीज़ हमें बताई गई थी यहाँ पे वो चीज़ें मौजूद नहीं है ख़ास। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे गेंडा था, वो नज़र ही नहीं आ रहा, गेंडा भी नज़र नहीं आ रहा, हिरन भी काफ़ी दूर थे। तो आपको बता दिया है, विज़िट करवा दिया है, तो इंशाल्लाह फिर अब हम घर जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।